बिग बॉस शो में अरमान मलिक को लेकर कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही। कभी अरमान मलिक कंटेस्टेंट को थप्पड़ मारने के चक्कर में सुर्खियों में आते हैं, तो कभी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने एक नाबालिग का रेप किया है। कभी अरमान मलिक की एक वीडियो आ जाती है जहां पर वो घर के अंदर अपनी वाइफ कृतिका के साथ सेक्स करते नजर आते हैं, और इसी के चलते सोशल मीडिया पर अरमान मलिक और उनके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन अब अरमान मलिक की वाइफ पायल, जो अभी घर के बाहर है, उन्होंने इसके खिलाफ कदम उठाया है। पायल ने कंप्लेंट दर्ज करवाई है उन लोगों के खिलाफ जो अरमान मलिक और उनके परिवार को डिफेम कर रहे हैं। कल पायल की एक वीडियो सामने आई जिसमें वो कंप्लेंट दर्ज करवाने ही गई, और वहां पर खड़े होकर पायल मलिक ने कहा कि मुझे पता है कौन लोग हैं इसके पीछे और उन सभी के खिलाफ मैंने अब कंप्लेंट दर्ज करवाई है। पायल मलिक ने कहा कि जब आप फेमस होते हो तो आपकी ट्रोलिंग होती है, ये बात मुझे समझ आती है, लेकिन अब मुझे धमकियां मिल रही है, मेरे और मेरे परिवार के लिए भद्दी बातें कही जा रही है। यही कारण है कि जिन लोगों ने यह सब किया है उनके खिलाफ मैंने डिफेमेशन केस किया है। अब रिजल्ट्स के लिए तैयार रहना, मुझे पता है ये कौन लोग हैं, उनके नाम मैंने इस केस में दे दिए हैं। तो गाइज अभी तक ना ट्रॉलिंग चल रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई इंसान बढ़ता है ना तो उसको ट्रॉलिंग तब से पहले मिलती है, पर अब जो है ना मुझे बहुत सारी धमकियां आ रही हैं, और जो लोग भी ये कर रहे हैं ना, जो मुझे डिफेम कर रहे हैं या मेरी फैमिली को डिफेम कर रहे हैं, उनके लिए मैं सीधा सीधा यहाँ मान हानि का केस डालने आई हूँ। अब जो भी होगा आपको खुद भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप ही लोग कर रहे हैं ये सब। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है, जिस जिसका नाम दिया उनको नोटिस बहुत जल्दी मिलने वाला है। कुछ इस तरह से पायल मलिक ने अब स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है उन लोगों के खिलाफ जो उन्हें और अरमान मलिक और कृतिका को डिफेम कर रहे हैं।